तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सोनू के ब्लॉग में। और हम गए हुए थे काशीपुर, और काशीपुर जाते ही रेयांस और मौसी की मस्ती शुरू हो गई थी। उसके बाद भूख लगी तो हमने सोचा बना लिया जाए गुड़झोई। अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको गुड़झोई तो पता ही होगी, मतलब सूप वाला हलवा आटे का। और साथ में हम बना रहे हैं ढोकला, और ढोकला हम पहली बार हमने ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा सा बन गया था। और यहाँ पर अभी हम ढोकले का बैटर तैयार कर रहे थे, और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम बारिश वाला। ढोकले के लिए हमने लिया बेसन, उसमें एक नींबू निचोड़ा और थोड़ा सा हल्दी और नमक, और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छा सा इसका एक बैटर बना देते हैं। और ढोकले के साथ साथ ही हम यहाँ पर गुड़झोई की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पैन में घी ले लिया, और उसमें हमने थोड़ा सा आटा डाला, और आटे को ब्राउन होने तक हम इसे भून लेते। और यहाँ पर आटा ब्राउन हो चुका था तो हमने इसमें ऐड किया अजवाइन, क्योंकि अजवाइन गुड़झोई में काफ़ी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और गर्म भी होता है। फिर हमने इसमें ऐड किया गुड़ वाला पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहे, और साथ में इसे चलाते रहना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें लम्ब्स पड़ जाते हैं। बस 2 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। फिर हमने इसे सर्व किया, और साथ में हम तैयारी कर रहे हैं ढोकले के लिए चटनी की तैयारी। तो हम बना रहे हैं धनिए और मूँगफली वाली चटनी, और मुझे राई मिल नहीं रही थी, फाइनली मुझे राई मिल गई। यहाँ पर देखिए, और क्या कर रहे हो? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है, और अधिकतम तापमान पर 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, इसके बाद चेक कर लेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा ढोकला बनके तैयार हो चुका है, काफ़ी टेस्टी बना था। हमने इसमें राई और नींबू का तड़का लगाया, और फिर मैंने की रात की सब्जी की तैयारी, और मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। डिनर करने के बाद रियांश और मौसी ने करी काफ़ी सारी मस्ती। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।